अगर आप एक ऑफलाइन बिजनेस हो तो आप यहाँ पे कम्पिटेटिव एडवांटेज में हो। अगर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो जितने भी ऑनलाइन बिजनेस आप लगाते हो, देखो जो प्योरली इंटरनेट बेस्ड नहीं है, कुछ ऐप या अगर गूगल या फेसबुक लगाते हो, जो प्योरली जिनको यूज करने के लिए हम इंटरनेट की जरूरत होती है, ऑफलाइन उनसे हम नहीं जुड़ सकते, उनको अगर हम साइड में रख देते हैं, तो जितने भी ऑनलाइन बिजनेस अगर लगा लेते हैं, बायजूस लगा लो, लेंसकार्ट लगा लो, या और भी बहुत सारे जोमेटो लगा लो, जितने भी आप लगा लो, तो उनको ऑनलाइन एक बात समझ में आई है थोड़े टाइम बाद कि उनको ऑनलाइन वो अपने बिजनेस को एक लेवल तक ही ले जा सकते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं ले जा सकते। तो उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को ऑफलाइन कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। बायजूस अपने कोचिंग सेंटर खोला है ऑनलाइन होने के बावजूद, अब वो ऑफलाइन मोड में अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है। और अगर आप लेंसकार्ट की बात करते हो तो वो भी अपने आउटलेट खोलता है। मतलब बेसिकली ऑनलाइन आके उन्होंने ऑफलाइन अपने बिजनेस को कन्वर्ट किया, और उनका मोस्टली बिजनेस अगर आप लगाते हो तो आज के टाइम में ऑफलाइन से ही जनरेट हो रहा है। ऑनलाइन उनके पास इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, वो अपने जो फैक्ट है उनको छुपा के जो मर्जी कहते रहे, लेकिन उनके पास ऑफलाइन बिजनेस ज्यादा है ऑनलाइन की तुलना में, और प्रॉफिटेबल आने के लिए उनको ऑफलाइन का ही सहारा लेना पड़ रहा है। तो अगर आप एक ऑफलाइन बिजनेस हो, क्योंकि हर शहर में हर सिटी में आप पर्सनली, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं छोटे छोटे बिजनेस जो अपने आप में एक ब्रांड होते हैं, वो उनको बाहर कोई नहीं जानता, लेकिन अपनी सिटी में अपनी लोकेलिटी में वो एक ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं। तो अगर आप वो बिजनेस हो तो आप आज के टाइम में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में है। बस आपको क्या करना है कि अभी आपको ऑफलाइन के साथ साथ अपने आप को ऑनलाइन लेके आना है। जो बड़े बिजनेस है वो आपको अपने आप को ऑफलाइन कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बचा के रखना है तो आपको अपने आप को जल्दी से जल्दी उस मॉडल पे कन्वर्ट करना है, ऑनलाइन मॉडल पे कन्वर्ट करना है जो वो छोड़ के आ रहे हैं, आपको उसको अडॉप्ट करना है अपने ऑफलाइन बिजनेस को बचाते हुए। तो अगर आप वो कर पाते हो तो आप उनसे काफी बेनिफिशियल रहते हो, क्योंकि आप अभी अपने सिटी में अपनी लोकेलिटी में एक ब्रांड हो, फिर आप अपने आसपास की दो या तीन सिटी में एक ब्रांड बन सकते हो जब आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आते हो। तो उसके बाद क्या होता है कि जब आप थोड़ा सा ग्रो करोगे, एक स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना शुरू करोगे, फिर आप अपने स्टेट में जा सकते हो, फिर दो स्टेट में जा सकते हो, तो वो आपके लिए कम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो ऑनलाइन बिजनेस ने सेटअप कर दिया है वही सब कुछ है, क्योंकि जो ऑफलाइन बिजनेस है अगर आप किसी भी मार्केट में लगाते हो तो वो प्रॉफिट में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो वही एक एक्चुअल बिजनेस में काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं कभी कभी देखता हूं तो मेरे को लगता है कि जितने ऑनलाइन बिजनेस हैं उनमें से मोस्टली बोगस बिजनेस की तरह काम कर रहे हैं। बस वो वैल्यूएशन घुमा रहे हैं, उससे फंडिंग ले रहे हैं, उनको बिजनेस उतनी अच्छी तरह वो नहीं कर पा रहे हैं। उनको देख के आप नहीं सीख सकते, आप ऑफलाइन बिजनेस को देख के सीख सकते हो। उनको देख के क्या सीख सकते हो, उनको देख के आप ऑनलाइन अपने आप को कैसे स्टेबल करना है वो सीख सकते हो, लेकिन बिजनेस करना उनसे नहीं सीख सकते, क्योंकि उनको बिजनेस करना मेरे हिसाब से आता भी नहीं है। उनको केवल वैल्यूएशन बढ़ाना और फंडिंग करना ही, फंडिंग लेना ही ज्यादा आता है। तो आप ऑफलाइन बिजनेस होकर कंपिटेटिव एडवांटेज में, और अगर आप उसको मेंटेन करना चाहते हो फ्यूचर में, और आप नहीं चाहते कि कोई बड़ा बिजनेस आके कि बायजूस कोचिंग सेंटर आके आपको रिप्लेस कर दे, तो आपको जल्दी से जल्दी वहां पे ऑनलाइन आने की जरूरत है, ऑनलाइन अपने आप को कन्वर्ट करने की जरूरत है अपने ऑफलाइन प्रॉफिटेबिलिटी को बनाते हुए।